please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में देखिए संकेत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। 8 अंकों की मजबूती के साथ बाजार है। हम भी सेलिब्रेशन के मूड में हैं, बाजार भी सेलिब्रेशन के मूड में है। देखिए छुट्टी तो हर्षदा मिलेंगी नहीं, ठीक है, तो जब काम करना ही तो थोड़ा हंस के खिलखिला के कर लिया जाए, वही ज़्यादा बेहतर तरीका, ताकि लोगों को आपका दुख समझ ना आए। सही बात है। वैसे खैर आज तो छुट्टी बनते भी नहीं, छुट्टी तो फर्स्ट को बनती है लेकिन फर्स्ट को भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज देखते कितना वॉल्यूम एक्शन है, उसी से पता चल जाएगा कि छुट्टी का मूड है कि नहीं है। ये बात तो सही है। चलिए तो वॉल्यूम एक्शन देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो एक्शन हो रहे हैं वो देख लिए जाए। एक स्टॉक कल का स्टार परफॉर्मर और क्रेडिट जाती है सारी की सारी वागले साहब को। देखिए क्या मतलब, इतने विचार तो मतलब आपके और मेरे घर पे भी नहीं मिलते होंगे जितने हमारे यहाँ मिलने लगे हैं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन कल 2.25 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई है 790 रुपये के दाम पे। वागले साहब प्राइस ये केडिया सिक्योरिटीज ने खरीदे हैं 790 पर खरीदे हैं, ये बड़ी चीज़ है। तो कल का टारगेट कितना, 780 का था? उससे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने क्या लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेवल तो शायद 700 के आसपास, 720 आई थिंक बाय द टाइम लोगों को मिला होगा 718-720 था। हमने बात करनी शुरू की तो 710 था, क्योंकि वो मूव भी काफी फास्ट है और वो क्रेडिट मतलब आपने कल रियली देश को आगे बढ़ाया। मतलब दिन में मुझे लगता है दिन में 2-3 ट्रेड ढंग के मिल जाए ट्रेडर्स को तो उतना काफ़ी है। और अभी बात निकली है तो कह दो, मैंने कल कहा था कि 780 के ऊपर क्लोज होना आज के लिए ज़रूरी है। सारे लक्षण हैं, कल का वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम है पिछले कई कई महीनों में, और मैं समझता हूँ ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट मतलब एक से डेढ़ महीने का 950 के आसपास होना है। और मैंने 1200-1300 की कल बात की है, शायद उससे भी ऊपर 1400-1500 तक के एक साल में जाना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लग रही है, ऐसा नहीं कल का मूव, लेकिन इस स्टॉक पे जो कन्विक्शन था मेरा, क्योंकि मैं पंचनामा में भी और अदरवाइज भी शो में, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन खबर आई उसके पहले हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि लेना चाहिए। खबर आई उसके बाद 770-780 हुआ, वहाँ से करेक्ट हुआ 101 रुपये, तो काफ़ी लोग ऐसा लगे कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, लेकिन स्टॉक जो माय गॉड ये 900 वागले साहब ये रिकमेंड किया क्या आपने एक 950 प्री ओपनिंग सेशन में? भाई थोड़ी शांति रखो, 950 आज का टारगेट नहीं है, मतलब वागले साहब ने बोला इसका मतलब थोड़ी 20% ऊपर खोलना है। ठहरो। चलिए करेंसी मार्केट खुल चुके हैं 2 पैसे की मजबूती के साथ 64.05 रुपये। आजकल ऐसा हो गया माहौल के पूरे साल के टारगेट आज ही आ जाए बस, 2018 शुरू भी नहीं हुआ है उसके पहले आप टारगेट प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन एक तरह से ये भी अच्छा है कि जिन लोगों की फैंटेसी है कि ये भाव हमें स्क्रीन पर देखना है वो तो कम से कम दिख जाता है, चाहे प्री ओपनिंग सेशन में दिखे। चलिए तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र, और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन पिक्स हो सकती है आपके लिए। इनफैक्ट अनिल प्री ओपन में मैं देख रही हूँ फिर से इंटरेस्ट इन फार्मा कंपनियों में आ रहा है। लूपिन के लिए इनफैक्ट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो स्कैल्प टॉनिक इन्होंने लॉन्च किया है। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही थी, नॉस्ट्रिम को अनुमति मिली है यूएस एफडीए से एक पर्टिकुलर ड्रग लॉन्च करने की, और ये कंपनी के पियर ग्रुप है, यानी कि उस मार्केट को चैलेंज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर है। इसके साथ ही आप देखेंगे सिप्ला जैसे काउंटर्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम कल परसों से हम देख रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज और फार्मा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। राकेश यहाँ पर क्या ओपनिंग कोई ट्रेड आप लेना पसंद करेंगे, चाहे वो लुपिन हो या फिर सिप्ला जिस समय मजबूत खुल रहे हैं? हर्षिता अगर आप लुपिन की बात करें तो काफी अच्छा लग रहा है, बीटन डाउन स्टॉक है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 865 का एक स्टॉप लॉस बनता है, कल की क्लोजिंग 880 की है और ऊपर में ये स्टॉक जो है 905-910 के लेवल्स दिखा सकता है। दूसरा हर्षिता एक स्टॉक जो अच्छा लगता है फ्रॉम द फार्मा पैक वो है एल्केम लैब्स। यहाँ पर थोड़ा सा अभी वॉल्यूम कम है बट टेक्निकल पैटर्न काफ़ी बढ़िया है, और ये स्टॉक जो मुझे लगता है 2500 की तरफ जा रहा है और ये एक ब्रेकआउट दिखाने की तैयारी कर रहा है। एक बार 2210 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है 200-250 रुपए का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन शॉर्ट टर्म। टॉप पिक अगर आप फार्मा में बात करेंगे तो एल्केम लैब रहेगा, जहाँ मुझे लगता है कि इसको बाय करना चाहिए फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 2450-2500। आज खबर भी आई है एल्केम लैब के भी एक दवा को मंजूरी मिली है, तो उसके चलते थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर तेजी का बन ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेटल्स ये है बेहद मजबूत, और इनमें से
अगर कहीं कोई खरीदारी, वागी साहब ने तो टाटा स्टील दे दिया, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। फिर मेटल्स, राकेश जी आप ही बताइए, कोई पसंद है आपको, क्या खरीदेंगे? देखिए मेटल्स में दो स्टॉक्स काफ़ी पसंद है, एक तो नेशनल एल्युमिनियम काफ़ी अच्छा लगता है स्टॉक, जिसके अंदर कल के सत्र में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल भी मैंने टूवर्ड्स क्लोजिंग आखिरी सौदा में इसको रिकमेंड किया था, और मुझे लगता है यहाँ से भी ऊपर में 91-92 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक पसंद है अनिल जी, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को निचले स्तरों पे रिकमेंड कर रखा है। ये स्टॉक अनिल जी देखें तो काफ़ी समय से नहीं चला है, और एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ये स्टॉक 109-110 की तरफ जा रहा है। कोई भी हल्की फुल्की करेक्शन आए तो इसको बाय करके चलना चाहिए 108 से लेकर 110 के टारगेट के लिए। ओके, एक स्टॉक जो प्री ओपन में मजबूत शुरुआत दिखा रहा है, 5% की तेजी है इसमें, और यह है अमूल्य लीजिंग का शेयर। इसमें मैं आपको बता दूं प्रमोटर समीर गुप्ता है, उन्होंने करीब करीब 32% हिस्सेदारी बेची है अलग अलग बल्क डील्स में, और जो बड़ा सौदा हुआ वो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के साथ होता हुआ दिखाई दिया है, और 560 रुपीज प्रति शेयर पर वो डील हुई। स्टॉक देखिए आज फिर ऊपर शुरुआत करता दिखाई दे रहा है, 5% की तेजी के आसार बन रहे हैं प्री ओपन में। संदीप, आप क्या स्टॉक को ट्रैक करते हैं? देखिए ट्रैक तो वैसे किया है, क्योंकि नाम लीजिंग है तो लीजिंग लगती है, क्या होता है एनबीएफसी का एक वो जो फ्लेवर चल रहा था उसकी वजह से देखा था। बट खास बात ये कह दूं कि ये पहले एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एपीएल अपोलो पाइप्स के नाम से लिस्टेड था, फिर ये कंपनी अमूल्य लीजिंग के नाम से रीनेम्ड हुई है, और इसमें चूंकि इनका लीजिंग का कारोबार भी है और बुक भी बन रही है, और कुछ अक्टूबर के महीने में भी आईडीएफसी ने भी इसमें कुछ स्टेक ली थी, और ओवरऑल ये जो बड़े नाम आए हैं तो सर्टेनली देखिए ये जो भी पी स्टेक्स वगैरह जो आ रही हैं वो एनबीएफसी इस पर काफ़ी बुलिश है ऑलरेडी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब इन लेवल्स पे इस स्टॉक में मैं नया निवेश के लिए थोड़ा सा कॉशस होऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगेन अनिल जी मैंने कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया वर्ड, क्योंकि स्टॉक के बारे में बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल जैसा सुनो के लिहाज से। अरे सुनिए मेरी बात, हाँ आप एक रेजोल्यूशन ले लो नए साल का, ये कहीं ना कहीं शब्द है ना, मैं हर रोज कहीं ना कहीं यूज करता ही रहूंगा, अनिल जी कुछ भी कहे। चलिए आपने खुश कर दिया अनिल जी। तो मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से, बाकी इतने बड़े नाम आए हैं तो सर्टेनली देखिए कुछ ना कुछ बड़े ग्रोथ प्लान्स होंगे, सो लेट्स सी कहीं ना कहीं मौका मिले मार्केट करेक्शन में नीचे आए तो उस टाइम पे एंट्री ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये है अमूल्य लीजिंग पर राय। माय गॉड, 625 5% की तेजी के साथ आज फिर से खुलता हो, तो काफ़ी बड़ा एक्शन कल हुआ है और आज भी आगे बढ़ने की तैयारी, लेकिन एक्शन उन 20 शेयरों में डेफिनेटली होता है जहाँ पर आपको बताए जाते हैं जो स्टॉक 2020 में। और आज हमारे दोनों कैप्टन, एक नए कैप्टन भी आज नीरज के साथ आशीष वर्मा, तो देख लीजिए दोनों की टीम्स। पूरी टीम आपके सामने रख देते हैं जो हमने खबरों के आधार पर चयन किया। तो रिलायंस कम्युनिकेशन पहला स्टॉक है, बड़ी डील हुई है जियो के साथ, बहुत फायदा है। एमसीएक्स को ये अलाउ कर दिया गया है कि किसी भी एक्सचेंज पे हर तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे इक्विटी भी शुरू हो सकती है ट्रेडिंग। जिंदल वर्ल्ड वाइड में नज़र रखिए, यहाँ पे स्टेक सेल हुआ है कुछ। बजाज हिंदुस्तान में ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड दिए गए कॉरपोरेशन बैंक को। जीटीपी लेथवे ने ग्रुप लेवल पे कंसोलिडेशन शुरू किया, खबरें ये भी हैं कि इसको कोई बड़ी कंपनी एक्वायर करने की तैयारी में है। जुबिलेंट लाइफ की एक दवा है जिसको यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है, वैसा ही एक काम ल्यूपिन की दवा के साथ भी हुआ है, यूएसएफडीए से फाइनल अप्रूवल मिला है। रिलायंस होम फाइनेंस, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया कंपनी है एडीजी ग्रुप की, इस पर नजर रखिए। एलटी फूड जिस तरीके से लाइन लगा के इनके क्यूआईपी में खरीदा है बड़े फंड्स ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर बेस एक सी फूड एक्सपोर्टर कंपनी है, इस पर नजर रखनी चाहिए। साल का आखिरी कारोबारी सत्र और पूरी तरह से खरीदारी पर फोकस, चुनिंदा बीट एंड डाउन स्टॉक्स हमें लगता है अब 2018 में आउट परफॉर्म करेंगे। शुरुआत तो खैर एशियन ग्रेनेटो के साथ, जहां पे इसकी ग्रुप कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। 27% स्टेक है एस्टन पेपर, मुझे लगता है आज भी ये स्टॉक हरकत में रहेगा। पेपर स्टॉक्स, डेट लेडन कंपनी शायद 2018 में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएं, हालांकि इन नो वे ये वो रिकमेंडेशन है उसके लिए, ये सिर्फ ट्रेडिंग बैट्स हैं आज के लिए, जिसमें बिल्ट खरीदारी करने के मौके कल भी अच्छा मूव दिखाया था। रिलायंस कम्युनिकेशन ने फाइनली वो डील का अनाउंसमेंट कर दिया है, अब समझ में आ रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए की डेट कैसे मार्च 2018 तक कम होगी। मुझे लगता है आज तमाम ग्रुप कंपनीज भी थम्स अप देती हुई नजर आएंगी उस डील को। तो रिलायंस नेवल, पावर, इंफ्रा,
इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। डिपेंडेबल के तौर पे बीएसई कन्वर्जेंस को जो मंजूरी मिली है, यानी कि इक्विटीज और कमोडिटीज एक ही प्लेटफॉर्म पे अब आपको लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, बीएसई उसका भरपूर फायदा उठाएगा मुझे लगता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पिटे हुए सरकारी बैंक, मुझे लगता है वो पिटी हुई पॉकेट जो है सरकारी बैंक जो है अब वो आउट परफॉर्म करेंगे 2018 की थीम के लिए आज से। पर आज तो खैर ट्रेडिंग के लिए आज से इन तीनों स्टॉक्स पे दाव। और फाइनली एमटेक ऑटो, क्योंकि डेट लेडन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, उसी कड़ी में इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखें, है तगड़े प्लांट्स कंपनी के देश दुनिया में। प्री ओपन सेशन में देखिए अब 10,500 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ करीब करीब 15.2 पर है और मिड कैप्स में ज्यादा हरकत रहेगी ऐसे आसार बन रहे हैं। लेकिन आज देखिए एक छोटी कंपनी की लिस्टिंग होगी, एस्ट्रन पेपर, एक छोटा इशू था अनिल, और पिछले कुछ हमने देखा है लिस्टिंग्स में वैसे ज्यादा पैसे बने नहीं, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें अब थोड़ी सी जग गई हैं। इसमें तो बनेगा, जमकर बनेगा, छोटा इशू होने के बावजूद। अच्छा, उस समय मैं है ना वो बहरीन और दुबई घूम रहा था, तब इतना प्रेशर लोगों ने बनाया फेसबुक पर और ट्विटर पर कि राय दीजिए, तो मैंने फिर फाइनली इस पर राय दी कि पैसा लगाना चाहिए लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए। आज से 70 करोड़ का ही आईपीओ है और 45 से 50 रुपये की छोटी प्राइस का इश्यू था, तो 50 रुपये का प्राइस रखा गया है। एशियन ग्रेनिटो की ही ग्रुप कंपनी है, बेसिकली ये सब्सिडरी कंपनी है, और उस लिहाज से यहाँ पर। और दूसरा एक और चीज़ है कि पिछले 15-20 दिनों में महीने भर में पेपर स्टॉक्स पर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव और बुलिश होता हुआ दिख रहा हूँ, तो उस लिहाज से मुझे लगता है जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला 243 गुना काफ़ी ज़बरदस्त मिला। अब कुछ ही सौभाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, मुझे लगता है दमदार लिस्टिंग होगी, 90 से 100 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। तरीका सिंपल यही है, छोटी प्राइस का इशू है, किसी भी तरह का बड़ा एक्शन लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है। आपको एक सिंपल काम ये करना है कि 75 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 75 के नीचे जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, अदरवाइज होल्ड करें, 90 से 100 रुपये के आसपास कहीं कहीं लिस्ट होना चाहिए। और चूंकि छोटी प्राइस का स्टॉक है और अगर कोई 10-15 करोड़ की खरीदारी करने आ जाए तो फिर इशू लिस्ट होने के बाद भी बढ़ सकता है, तो उन लेवल्स पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें। एक बार 100 के पार निकले तो 85-90 के आसपास स्टॉप लॉस कर लें, तो स्टॉप लॉस को धीमे धीमे ऊपर सरकाते चलें, और स्टार्टिंग में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 75, मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे जाएगा। 90 से 100 रुपये के आसपास की लिस्टिंग की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो जो हमारी रिकमेंडेशन थी कि लिस्टिंग के लिए पर पैसा कमाने के लिहाज से लगाना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, डबल होता है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कोई बड़ा एक्शन आ जाए कर जाए तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है एस्ट्रन पेपर, देखेंगे किस तरह की शुरुआत रहती है। इशू प्राइस जैसे अभी हमने आपको बताया 50 रुपये का था और 90 के आसपास लिस्टिंग की उम्मीद जरूर बनती दिखाई दे रही है। वेरी क्विकली हम इनफैक्ट जेपी ग्रुप एडीएजी ग्रुप पर बात कर रहे थे, लेकिन जेपी पावर प्री ओपन में मजबूत शुरुआत के आसार दिखा रहा है, इस पर संदीप आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि ब्रुकफील्ड कोटक ने इंटरेस्ट दिखाया है इनके पावर एसेट्स खरीदने का? नहीं, सर्टेनली देखिए, आप कोटक ग्रुप अगर इंटरेस्ट दिखाता तो वो लोग भी एक बहुत जबरदस्त स्टॉक पिकर, और इनफैक्ट जो उनकी पकड़ है जनरली वो बहुत मजबूत मानी जाती है, और मैंने उनको देखा है जिस तरीके से उन्होंने MCX में भी स्टेक लिया और कई ऐसे सारी एसेट्स लिए, और प्लस आज तो इनफैक्ट तुलसियान जी ने भी जेपी इंफ्राटेक के बारे में भी रिकमेंडेशन दिया, बखूबी बहुत अच्छा, और ये जो डील होती है तो सर्टनली देखिए जेपी पावर के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ही है। और आरकॉम के बाद ये जो एक IBC सेगमेंट जो बना हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वाला जो सेगमेंट है और जो NCLT वाला सेगमेंट है, इन सब में कहीं ना कहीं आज दिखेगा हरकत देखने को मिलेंगी, क्योंकि ARCs के पास बहुत सारा पैसा है, लिक्विडिटी काफ़ी है, और कहीं ना कहीं अगर एसेट्स अच्छी मिलेंगी लोगों को इन कंपनीज को, तो सर्टनली वो लोग कहीं ना कहीं राइट प्राइस पे बिडिंग करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक कंपटीशन भी अब चल रहा है ARCs के बीच में भी, तो अब ऑटोमेटिकली एक तरीके से वो जो डार्विन की जो नेचुरल वाली जो थियोरी है वो अब काम आ रही है कि कहीं ना कहीं सब चीज़ों के पिकर्स मिलेंगे, रैक पिकर्स भी मिलेंगे, स्टॉक पिकर्स भी मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और ये आज उछाल पे बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करके रखें मेरे हिसाब से। सर, ये डार्विन की थ्योरी क्या है ये? मतलब मैं तो बहुत बचपन में पढ़ा था, भूल ही गया अभी आजकल, एक बार थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करिए, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है अनिल जी, कि हर चीज मतलब दुनिया में जो नेचर है उसमें ऑटोमेटिकली हर चीज़ का एक एडजस्टमेंट हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, फिर हर चीज़ का एडजस्टमेंट होता है, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सही भी है, मार्केट के खुलने की तैयारी थियोरी है।
चलिए प्री ओपनिंग सेशन खत्म हो चुका है और मार्केट खुलने की तैयारी है। 14 अंक ऊपर निफ्टी है और सेंसेक्स 40 अंक ऊपर है प्री ओपनिंग सेशन में, तो मजबूत शुरुआत के आसार है। मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की मजबूती है और बैंक निफ्टी एकदम शांत खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई बड़ा एक्शन इंडेक्स में भले ना हो लेकिन स्टॉक्स में है और कई सारे स्टॉक्स जो मजबूत खुलने की तैयारी करें। देखिए अमूल्य लीजिंग 5% ऊपर खुलेगा, आरकॉम 10% ऊपर खुल रहा है, जेपी पावर 7% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी में अगर आप देखें तो स्टॉक्स ल्यूपिन 1.5% मजबूत खुलने की तैयारी कर रहा है, एचसेल टेक में मजबूती है और वागले साहब का अरबिंदो फार्मा 1% मजबूत खुलने की तैयारी कर रहा है। ल्यूपिन पर फटाफट एक बार चार्ट चेक ले लिया जाए। राकेश जी जल्दी से बता दें इसके लेवल्स। अनिल जी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है, नीचे में 860 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और शॉर्ट टर्म में 905 से लेकर 910 के लक्ष्य मुझे लगता है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ल्यूपिन ये है स्टॉक जहाँ पर आप रखिएगा नज़र आज के सेशन में, यहीं से मजबूती आती दिख रही है फार्मा शेयरों में। इसके पीछे पीछे अरबिंदो सन दोनों मजबूत हो रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में वेदांता मजबूत खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। कमज़ोर क्या है, कुछ खास नहीं, विप्रो है 1% कमजोर है, बीपीसी लादा पर मजा कोई मतलब ऐसा बड़ा ऊपर या नीचे खुलने के संकेत है नहीं। लेकिन खबरों के नाम पर हाँ अनिल अंबानी ग्रुप के तमाम शेयर ऐसे हैं जो मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं और जेपी ग्रुप के शेयरों में भी थोड़ी थोड़ी खरीदारी के आसार इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की पहली टिक साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आपके स्क्रीन पर आती हुई। शुरुआत होती बाजार के हरे निशान के साथ, 75 अंक ऊपर शुरू खुला है सेंसेक्स, अब 95 अंक मजबूत, सेंचुरी मारने के मूड में 10,500 के बेहद करीब खुलता हुआ निफ्टी 15 अंकों की मजबूती के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज फिर से लाल निशान के साथ की है शुरुआत, 33 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स में है 90% की मजबूती यानी कि 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो सेंसेक्स निफ्टी ने हरे निशान के साथ शुरुआत की है लेकिन लीडरशिप पूरी तरह से मिड कैप शेयरों से। कौन से स्टॉक सेक्शन में टॉप गेनर है, लुपिन 1.5% मजबूत, L&T 1% और रिलायंस 0.5% मजबूत खुलता हुआ। विप्रो कमजोर है 1% नीचे, ICICI और HDFC बैंक ये दबाव बना रहे हैं बैंक निफ्टी पर, 0.5% का नुकसान यहां पर आपको नजर आएगा। आइए वायदा कारोबार की तरफ, फिर से नई सीरीज का भी मैन ऑफ द सीरीज बनने की तैयारी पहले दिन से करता हुआ आरकॉम 15% का बड़ा उछाल, IFCI 7% मजबूत खुलता हुआ दिखा, RKEP 6% मजबूत, GMR इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस नेवल, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में भयंकर तेजी होती हुई दिख रही है। HDIL वोखार ये तमाम वो शेयर हैं जो मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी जबरदस्त खरीदारी के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है मिड कैप शेयरों में और मिड कैप शेयर सेंचुरी इंडेक्स सेंचुरी मारता हुआ अब 115 अंक ऊपर, 0.5% की तेजी और बैंक निफ्टी जरूर लाल निशान में लेकिन निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर 10,500 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी बढ़ती दिख रही है, 1/4% की मजबूती इंडेक्स में हो चुकी है और मिड कैप इंडेक्स की तेजी बरकरार है। पूरी तरह से खरीदारी चौतरफा हो रही है, ल्यूपिन, L&T, टाटा स्टील हर एक सेक्टर के दिग्गज शेयर बाजार में जोश और मजबूती बढ़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन मिड कैप्स रफ्तार तो यही है, जबरदस्त तेजी, आरकॉम 25% ऊपर, 38 रुपए का भाव, वागले साहब के सारे टारगेट्स आज ही आते हुए दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है, 38 से 40 के टारगेट आ गए, पूरी तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब 30% का उछाल इस स्टॉक में बनता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जेपी पावर भी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे क्योंकि 14% ऊपर खुला है ये काउंटर। यहां पर जैसे हम आपको बता रहे थे कि ब्रूकफील्ड और कोटक महिंद्रा बैंक ने इच्छा दिखाई है इनके पावर बिजनेस के कुछ एसेट्स खरीदने की और 2,200 मेगावाट के एसेट्स खरीदने वाले हैं। 3,000 से 4,000 करोड़ का ये सौदा होता दिखाई देगा इस स्टॉक में तेजी। अमूल्य लीजिंग एंड फाइनेंस 5% ऊपर खुला है ये काउंटर। कल भी आपको याद होगा रियल्टी कंपनियों में काफी बढ़त आई थी और आज इसी तर्ज पर HDIL अच्छी लीडरशिप दिखाता हुआ करीब 3.5% का उछाल इस स्टॉक में भी बनता दिखाई दे रहा है। कुछ और काउंटर्स आपको मैं बता दूं जहां पर एक्शन है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो यूनिवर्सल एक्सचेंज की फाइनल अनुमति आ चुकी है सेबी की ओर से, इस स्टॉक में ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला है, 3.5% का उछाल इसमें बनता हुआ। दूसरी तरफ MCX बहुत ही हल्का ट्रेड दिखा रहा है, तो अगर बाजार इसे ऐसी पड़ रहा है कि अगर तेजी होगी तो शायद BSE में ज्यादा होने के आसार है। जुबलेंट लाइफ में अच्छा उछाल देखने को मिला, इसके अलावा देखिए जेट एयरवेज, बर्जर पेंट, सुजलॉन ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर तगड़े वॉल्यूम्स पर आज खरीदारी होती दिखाई दे रही है। तो सीरीज की शुरुआत में सबसे बढ़िया एक्शन में जो अनएक्सपेक्टेड है वो है पूरी तरह से IFCI में। IFCI का शेयर आपके सामने हाजिर करते हैं और IFCI के 10% बढ़ने की वजह दो है, एक तो वैसे
रिकमेंड किया ही था बंसल जी ने, लेकिन एक तो जो 12,500 करोड़ के एनपी के लिए इनकी बोलियां आ चुकी है वो है, दूसरा ये जो आज जो बड़ा डेवलपमेंट है जो यूनिवर्सल एक्सचेंजेस वाला, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा एनएससी को होना है। कल साथ ही एक और सेबी चेयरमैन ने बात की कि वो एनएससी का कोलोकेशन इशू बहुत जल्दी रिजोल्व करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि एनएससी के आईपीओ लाने की तैयारी बेहतर है, और अगर दोनों एक्सचेंज मिलकर काम करें तो सबसे पॉजिटिव एनएससी के लिए, और इस लिहाज से एनएससी का वैल्यूएशन बढ़ेगा और एनएससी में अच्छी खासी हिस्सेदारी आईएफसीआई की जिसकी वैल्यू 4,000 करोड़ के आसपास आकी जा रही, तो एनएससी की वैल्यू बढ़ना, कोलोकेशन इशू सॉल्व होना, 12,500 करोड़ के एनपीए, ये तीन फैक्टर, और उसके अलावा आज सीरीज के पहले दिन बैन में नहीं है शेयर, तो ये तेज़ दौड़ लगा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं भी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ वागले साहब, क्योंकि 28 से 30 के बीच में कई बार अटका है ये, कई बार, लेकिन आज कुछ न कुछ बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, तो इसको चार्ट पर देखिए क्या स्टॉक ऑफ द सीरीज हो सकता है ये। अनिल जी बिल्कुल हो सकता है, इमीडिएटली तो मैं 33-33.50 की बात करूंगा जो ट्रेडिंग टारगेट होगा, 2 रुपये इसमें इंट्राडे होगा मानना चाहिए, और जैसे ये अगर आज ये उसके ऊपर क्लोज हो जाता है 34 जो बहुत लाइक 34 ओके परसेंटेज वाइज 20% वाला ही कैटेगरी में बैठेगा, आज नहीं तो मंडे, मुझे लगता है इसमें एक कम से कम 10-12 रुपए की मूव आनी चाहिए। माय गॉड, वही मैं कह रहा हूँ कि 10-12, यानी एक और स्टॉक मैं आईएफसीआई पे थोड़ा और फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन स्टॉक एक के बाद एक बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, वोखाड़ का स्टॉक देखिए भयंकर ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है स्टॉक में, 2.5% का इजाफा है स्टॉक में, एक्शन तेजी की तरफ भी बनता हुआ दिख रहा है, पोजीशंस भी बन रही है मेरे ख्याल से ये भी, हाँ सीरीज के पहले दिन बैन से बाहर आया, और बैन से बाहर आते ही लोग लपक कर खरीदारी करना शुरू करें, तो वोखाड़ एक और स्टॉक है जहाँ पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है, इस पर भी राय दीजिए बंसल जी, खरीद लिया जाए इस लेवल पर? देखिए अनिल जी, काफी बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट आज 920 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और इस ब्रेकआउट के जो लक्ष्य बैठते हैं अनिल जी, 995 से लेकर 1000 के करीब के लक्ष्य बैठते हैं, एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है, इसको बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल वॉकआउट पर राय, देखिए अच्छा मोमेंटम प्ले स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वागले साहब कुछ और काउंटर्स, और मैं एचडीएल का जिक्र कर रही थी, एचडीएल के साथ साथ डीएलएफ में भी अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्शन पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों ही स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट 3% से 3% तक का बढ़ता हुआ, तेजी करेंगे हर्षदा काफी, आई थिंक एक हफ्ते से हम ये स्टॉक्स में बुलिश है, लेकिन आज मैं बिटवीन द टू मैं एचडीएल चूज करूंगा, आई थिंक हमने तीन या चार दिन पहले 56 पे इसका जिक्र किया था, वो मूव का टारगेट आ गया 60-61, और आज मैं ये कहता हूँ कि 65-66 अगले वीक में जाना चाहिए, तो 10-12% अगले 2-3 दिन में मूव आ सकती है, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 60, 2 रुपये के रिस्क लीजिए, 4-5 रुपये अपसाइड। बिल्कुल, और ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार, ये भी 60 रुपये के पार जो निकल कर टिक रहा है, बड़ी जबरदस्त एक्शन आती हुई दिख रही है, एचडीएल एक और स्टॉक एकदम सही स्पॉट हुआ है इस वक्त, हर्षदा जो कह रही बड़ी तेजी बनने की तैयारी, न सिर्फ एचडीआईएल में बल्कि डीएलएफ में भी, और डीएलएफ के लिए मेरे ख्याल से आज कुछ अच्छी खबर भी, शायद कुछ प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स के द्वारा कंपनी में पैसा डालने के ऊपर शायद इवेंट है मेरे ख्याल से, एक बार हमारे प्रोड्यूसर इस वक्त फटाफट वो इवेंट लाने की आपके सामने कोशिश करेंगे डीएलएफ को लेकर भी, तो डीएलएफ में भी आप देखिए आज किस तरह का एक्शन है, डीएलएफ जब फ्लैट है स्टॉक इस वक्त, और 3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ था, एक बार की डीएलएफ पर भी आपको नजर तेजी में था अनिल, अचानक हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग आई है, मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो हाई बीटा काउंटर्स है ना वहीं पर ज्यादा फ्लेवर आज देखने को मिल रहा है, वही होना है एक्चुअली, क्योंकि आज देखिए 2/3% इंडेक्स मजबूत है, और अगर इस तरह की तेजी हो रही है तो बहुत ही जबरदस्त है, डीएलएफ के फटाफट चार्ट ले लें राकेश, खरीदने का सही मौका है? बिल्कुल अनिल जी, एक नया एक ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिला है, और जिस तरीके से यहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसको बाय करके चलना चाहिए, और मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 280-285 तक जाने का, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में 280-285 तक जाने का दमखम रखता है, और अगर किसी का थोड़ा सा और लंबी अवधि का नजरिया है तो ये लेवल्स भी टूट के स्टॉक में एक बड़ी री रेटिंग टूवर्ड्स 350-360 की मुझे लगता है 2018 में इजीली देखने को मिलेगी। ओके, तो खबर ये है कि डीएलएफ की आज है बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में प्रमोटर्स को कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसको कहते हैं हम सीसीडी, कैफे कॉफी डो में समझिए सीसीडी, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये जारी किए जाएंगे, यानी कि कर्ज के कर्ज देकर प्रमोटर्स कंपनी में पैसा लाने की योजना बना रहे हैं, ये आज बोर्ड बैठक में फाइनल होना है, इसके चलते डीएलएफ में एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। जेपी एसोसिएट
9% सिर्फ 9% ऊपर है और होना भी चाहिए। अगर जेपी इंफ्रा के डेट रिडक्शन, जेपी इंफ्रा कितना बड़ा हुआ है वो देखिए, और जाहिर सी बात है अगर अनिल अंबानी ग्रुप की आरकॉम की समस्या खत्म होती तो बाकी ग्रुप के शेयरों में जिस तरह का एक्शन है वो एक्शन अगर जेपी ग्रुप के दूसरे शेयरों में फैले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बड़े दिनों बाद जेपी एसोसिएट में लोगों को ट्रेड करने का मौका भी मिल रहा है। बड़ा थका दबा हुआ शेयर था बैन में होने की वजह से, आरकॉम तो फिर भी जब तक कभी कभार बाहर आ जाता था, लेकिन जेपी एसोसिएट तो मेरे ख्याल से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आज खुला मैदान है और उसका फायदा ट्रेडर्स उठा रहे हैं। आप देखिए स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक 2% ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है। बंसल साहब फटाफट बताइए अपने टारगेट्स और क्या ये एंट्री करने के लिए सही लेवल है? बिल्कुल अनिल जी, एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अनिल जी देखिए, मैं पहले भी दो चार बार बोला है आवाज़ के ऊपर, डिस्क्लोजर दिया है, मैंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इसकी बाय कर रखी है और मेरे टारगेट्स काफ़ी ऊपर के हैं और इस वोलेटिलिटी में भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। टेक्निकली आप देखें तो 25 रुपये के ऊपर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, टेक्निकली 23.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 29-30 रुपये तक जाने का दमखम रखता है। एंड अनिल जी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जेपी इंफ्रा जिसको सुबह तुलसियान जी ने कवर करा था और जहाँ पर इनके फ्लैट्स को लेके काफ़ी लोगों को पैनिक है, वहाँ पर कंपनी को 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपये चाहिए पूरे फ्लैट्स को बनाने के लिए और साथ साथ जिन लोगों ने फ्लैट्स बुक करे हुए हैं, जो पोजीशन की वेट कर रहे हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपये देना भी है, 2 हज़ार करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। इस पूरे ग्रुप को अनिल जी मैं अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ, री रेटिंग का कैंडिडेट है और जेपी पावर जिसकी अभी सुबह जिक्र हो रहा था, अगर ब्रुकफील्ड उसको बिड करती है तो क्लियरली जो कंट्रोल है वो जेपी के प्रमोटर्स के हाथ में रहेगा और अगर जेएसडब्ल्यू ग्रुप वहां पर बिडिंग में कामयाब होता है तो कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा और ब्रुकफील्ड लेता है तब मुझे लगता है जेपी पावर में भी एक बड़ी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। चलिए तो यहां पर खतरनाक रिसर्च करके रखी है बंसल साहब ने, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, टेक्निकल फंडामेंटल एफएनओ मतलब सारे के सारे मतलब फैक्टर्स मालूम है, सेंचुरी लग गई है भाई। 115 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 10,500 के पार निकल कर टिक रहा है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत हो चुका है तो तेजी थमने का नाम नहीं ले रही और एक और स्टॉक जहां तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है उसकी क्रेडिट भी मैं वागले साहब चलो आप ही को दे देता हूं, जेट एयरवेज। अरे क्या बात है, मतलब कैसे कर लेते आप ये बताइए पहले। लेकिन अनिल जी आज ये हर्षदा ने स्पॉट किया है, आज का क्रेडिट हर्षदा को मिलना चाहिए और एक स्विंग हाई 831-832 का ये ब्रेक करने के बाद ये ऊपर सस्टेन होता है तो 870 की तरफ की है, मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ, 870 एक से दो दिन में मिल सकते हैं और हम जब पोजिशन बात करते हैं तो एक दिन में आ ही नहीं, जाता नहीं, ये आप इजी आंसर दे रहे हैं, मेरा सवाल थोड़ा मुश्किल है, मैंने ये पूछा ही नहीं आपको, 1000 कब होगा? अरे वाह सवाल यही था एक्चुअली, 1000 के कब होगा, कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अनिल जी 1 से 2 महीना, आउटर साइड 3 महीने, मार्च ईयर एंड तक, फाइनेंशियल ईयर एंड तक तो ये 4 डिजिट में होना चाहिए। बंसल जी 1000 कब होगा जेट एयरवेज ये बताइए। देखिए अनिल जी काफ़ी बढ़िया इसका रुझान है और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी समय बाद एक री रेटिंग देखने को मिल रही है और 1000 की अगर आप बात करें तो ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है 900 की तरफ जा रहा है और एक बार 910 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तब 1000 नहीं अनिल जी, तब मुझे लगता है 1185-1200 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, जेट के लिए एक ट्रिगर भी है जिसके का हम जिक्र कल कर रहे थे कि जयंत सिन्हा ने इनफैक्ट गुजारिश की है वित्त मंत्रालय से कि जो एविएशन फ्यूल है उसको भी GST के दायरे में लाया जाए ताकि ये जो कंपनियां इस समय 30% तक का फ्यूल पर टैक्स दे रही हैं वो 18% के ब्रैकेट में आएगा तो इनके लिए काफ़ी सहूलियत ज़रूर होती दिखाई देगी उसका भी। और मेरे ख्याल में अनिल अगर वो अप्लाई हो जाता है बड़ी तब 1000 के लेवल्स डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे, शायद उसके ऊपर भी वो स्टॉक नज़र आए। तो जेट के लिए इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो रहेगी कि क्या वो एविएशन फ्यूल आता है GST के दायरे में नहीं या नहीं। कुछ और काउंटर्स जो इस समय एक्टिव होने लगे हैं इस पर आप फोकस कीजिए और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में भी अब देखिए तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स में आरकॉम में डील हुई, जेपी पावर में डील हो रही है, लोगों को लग रहा है कि वीडियोकॉन जैसी कंपनियों में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसे स्टॉक से आपने सतर्क जरूर रहना है। BSE स्क्रीन पर लेकर आते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 950 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2.5% ऊपर है, क्या कोई ट्रेड आप लेंगे इसमें वागले साहब? BSE की बात कर रही है? नहीं हर्षदा, मैं
इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से बाउंस बैक जरूर है जो एक्सटेंड हो सकता है, बट जो ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए या जो पैटर्न चाहिए उसमें मुझे मतलब ये बाउंस बैक मूव के लिए मैं अवॉइड करूंगा। हाँ, ऊपर में जरूर ये 980-985 तक जा सकता है। तो चलिए, आप बेसिकली कह रहे हैं कि थोड़ा कंफर्ट कम है इस स्टॉक में ट्रेड करने का। मेडिसिन सुमी में भी अब देखिए थोड़ा सा एक्शन आता हुआ। मेडिसिन सुमी पर मेरे ख्याल में मोतीलाल ओसवाल ने अपनी कवरेज आज से शुरू की है, काफी बुलिश है स्टॉक को लेकर। राकेश, इस पर आप अपनी राय दीजिए। देखिए हर्षदा, काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी और कल के सत्र में एक रिवर्सल देखने को मिला। स्टॉक ने 368 के अराउंड एक सपोर्ट लिया है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 390 के लेवल्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, 390 के लेवल के साथ मेडिसिन सुमी में आप कर सकते हैं खरीदारी। एक और स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है जिस पर फोकस करना चाहिए और वो है जेन इरिगेशन। जैन साहब है ना, जैन साहब और जेन इरिगेशन ना चले ऐसा तो होता नहीं। और अब ये तो मतलब इस महीने का स्टॉक हो सकता है, बजट आने वाला है 1 फरवरी को, बजट के पहले जो रूरल एग्रीकल्चर इरिगेशन ये सारी चीज़ों पर जो फोकस होता है। बाय द वे वागले साहब, जो हमने कहा था कि दिसंबर सीरीज का स्टॉक ऑफ द सीरीज जैन था, 125 का टारगेट दिया था, उसके तो पार निकला है, 129 पर कल ये बंद हुआ है। लेकिन अभी भी इस सीरीज में भी जगह तो बाकी है, राइट? तो पहले आप बोलेंगे या पहले जैन साहब को मौका दिया है? पहले जैन साहब को देना है तो जैन साहब को मौका देना चाहिए, बताइए जैन साहब। देखिए अनिल जी, बात सही है, प्री बजट रैली की एक तैयारी बन रही है स्टॉक में और इस बार तो सर्टेनली देखिए रूरल थीम, इरिगेशन, ये सारी स्टोरीज इसके लिए राइटली जा रही है और DBT ट्रांसफर्स और ये सब चीज़ें बहुत बड़ा बेनिफिट दे रही है इस कंपनी को। बट अगेन एक राय दूंगा कि, और वैसे देखा जाएगा टेक्निकली बात करें तो आज ये शायद अब अपना 52 वीक हाई को भी क्रॉस कर रहा है और कई दिनों से 130 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी निकल रहा है। तो जेन इरिगेशन DVR वहाँ पर ध्यान देना चाहिए जो कि डिस्काउंट पर चलता है और डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा है और मैं तो हमेशा से DVR मेरे फेवरेट ही रहे हैं तो मेरे हिसाब से जेन इरिगेशन DVR तो ले ही लें। और अदरवाइज अगर जेन इरिगेशन में किसी ने मिस किया हो या कई बार इतना छलांग लगा चुके हो तो कई बार इसके प्रीमियम्स बहुत अच्छे होते हैं तो ऑप्शंस में हम लोग जनरली क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप 120 का पुट बेच लीजिए या 115 का पुट बेच लीजिए, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रीमियम मिलता है। ओके, तो जेन इरिगेशन का DVR और ऑफकोर्स ऑप्शन में भी मौका है स्टॉक में ट्रेड करने का। ये एक हॉट फेवरेट साबित हो सकता है इस सीरीज के लिए, लेकिन वॉकहार्ड है जहां पर हमने देखा है बहुत मजबूत शुरुआत हुई और अब देखिए ओपन इंटरेस्ट करीब 13% बढ़ता हुआ। वागले साहब, इसको रिविजिट करते हैं, 950 पर आ चुका है, अब आगे क्या? हर्षदा, ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी जो होती है पहले 10-15 मिनट आधे घंटे में, यह हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई पोजिशनल कॉल लेता है 928 का स्टॉप लॉस होगा और 1040 का टारगेट होगा, मतलब यहाँ से 100 रुपये अपसाइड और आप रिस्क ले रहे हैं सिर्फ एक 20-25 रुपये, तो वो ट्रेड सेटअप ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे लगता है अगले वीक में आना चाहिए। ओके, अगले वीक तक वो ट्रेड सेटअप आपके लिए बन सकता है। वो लेकिन एक कैश मार्केट का स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ और वो है जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक लाते हैं आपके सामने और कल जो सेबी की बोर्ड बैठक में फैसला हुआ है उसमें ARC वो इसके फले फायदे की बात है, शायद यही वजह कि जहां खुला वहां से थोड़ा थोड़ा स्टॉक ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है मेरे रडार पे, इसलिए आया कि वॉल्यूम अच्छे हो रहे हैं जेएम फाइनेंशियल में। 1.5-2 लाख शेयरों का वॉल्यूम सुबह सुबह हो चुका है शुरुआती मिनटों में, तो क्लियर कट जो कंपनियां ARC वाले कारोबार में हैं उनके लिए ये पॉजिटिव चीज़ है और इनके लिए सिक्योरिटीज लिस्ट होना और उनमें ट्रेड होना जाहिर सी बात है कारोबार भी बढ़ाएगी, लिक्विडिटी भी बढ़ाएगी और शेयर के दाम भी बढ़ाएगी। एडलवाइज को भी फायदा होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल होगा 100% एडलवाइज दूसरा स्टॉक था, मैंने एडलवाइज इसलिए थोड़ा सा एक्शन कम अभी एक्शन मैंने कहा एक्शन शुरू होगा उससे पहले, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट जेम फाइनेंस इसके चार्ट देख लिए वागले साहब, उसके बाद और तब तक बंसल जी आप एडलवाइज के चार्ट तैयार करिए जेम फाइनेंस। अनिल जी, मैं ये एडवाइस दूंगा कि जिनको अनिल जी पे भरोसा है क्योंकि वो पहले स्पॉट करते हैं और फिर मुँह आती है, जो मुझे फिलहाल दिख नहीं रही है, मुझे 160 के ऊपर मैं क्या बोलेंगे जिसको कन्विक्शन के साथ बाय करने की एज अ ट्रेडर, फिर 155 का स्टॉप लॉस होगा। अभी कोई लेता है 156 है, 151 का स्टॉप लॉस, आप रिस्क 4 या 5 रुपये की ले रहे और 160 के ऊपर ऐड करिए, वो कन्विक्शन आएगा। मैं 185-190 की पोजिशनल व्यू की बात करूंगा तो 1:3, 1:4 का ट्रेड सेटअप बैठता है। वाह क्या बात है, तो 160 के ऊपर तो मतलब रॉकेट हो जाएगा, 160 के ऊपर मुझे वो 20% वाले कन्विक्शन में आ जाएगा।
अच्छा, तो अब जिन लोगों को 20% ऊपर चाहिए उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। वागले साहब ने आपको क्लियर कट बता दिया। एडलवाइज बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक और फंडामेंटली भी कहीं कोई समस्या है नहीं, तो बंसल जी फटाफट इसके चार्ट देखिए आप। अनिल जी, काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में 289 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अनिल जी, एक बार 301 के ऊपर निकलता है, काफ़ी समय से लॉन्ग अवेटेड है, अगर आज ये 301 के ऊपर निकलता है तो 323-324 के लेवल्स मुझे लगता है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 323-324 की तैयारी होती हुई देखिए एडलवाइस में भी अब मोमेंटम आता हुआ करीब 1.5 से 2% ऊपर है, और जेएन फाइनेंशियल जो हमने आपको कुछ ही देर पहले स्पॉट करके बताया वहां पर अच्छी तेजी मेरे ख्याल में 3-4% का उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैन साहब, आप इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय रखेंगे, और खासकर जो सभी ने कहा है कि ये जो ARCs है इनकी जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं ये लिस्ट हो पाएंगी ताकि थोड़ी सी लिक्विडिटी और बढ़े, थोड़ा आसान रहे लोगों को फंड रेस करने के लिए, और बैंक्स के लिए भी एनपीए वाला मामला थोड़ा सा कुछ हल्का होता दिखाई दे सकता है, ये क्या बढ़िया प्लेस रहेंगे इस स्पेस में फिर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत ही बेहतरीन स्टेप था और मुझे एक नॉस्टैल्जिया हो गया, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये मेरा एमबीए फाइनेंस में इनफैक्ट जो डिसर्टेशन होता है, जो लास्ट प्रोजेक्ट होता है, फाइनल प्रोजेक्ट यही था, और मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, और ये पर्टिकुलरली जो ARCs जो है, पर्टिकुलरली एडलवाइज हैज बिकम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर, और फिर जेएम फाइनेंशियल्स, तो दोनों के लिए ही अच्छा है, बट आई विल गो विथ एडलवाइज। मुझे बहुत बड़ा कन्विक्शन आता है इस स्टॉक पर, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 2018 का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होगा, और सर्टनली मेरा इनफैक्ट फेवरेट स्टॉक्स में से है, एंड आई फील जिन भी लेवल्स पे मिले ये स्टॉक वापस से चलते रहेगा। जैसे HDFC ने एक लॉन्ग लास्टेड रैली दिया है, वैसा हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कोई स्टॉक हो तो वो एडलवाइज होगा। इनफैक्ट ARCs के साथ साथ कुछ लोग कल चर्चा में ये भी कह रहे थे कि सरकारी बैंकों को काफी फायदा तो होगा, बराबर है, और सरकारी बैंकों में आने लिए छोटे बैंक से ना इनमें ट्रैक्शन आ रहा है। यूको बैंक देखिए 3% ऊपर, देना बैंक में 2.5-3% की बढ़त है, IDBI ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर हरकत देखी जा रही है। इस पर राकेश आप अपनी राय दीजिए, कोई ट्रेड लेंगे? नहीं हर्षिता, ये जो स्टॉक्स के आपने नाम लिए, ये यूको बैंक, देना बैंक, टेक्निकली नहीं अच्छे लगते हैं, बीटन डाउन स्टॉक हैं, ओवरसोल्ड टेरिटरी में, बट टेक्निकली यहाँ बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है किसी तरह की बाइंग करने का। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे लार्ज कैप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखें, वहाँ भी कल एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, ट्रेडिंग के नज़रिए से बिल्कुल अवॉइड करेंगे इसको। तो ये एक और स्टॉक, और इस बीच स्टॉक्स मौजूद हो रहे हैं, एक थोड़ा सा बैंक है ना रिश्ता और चल जाए ना तो मामला ठीक हो जाए। लग रहा है आज सरकारी बैंकों में थोड़ा सा एक्शन है लेकिन निजी बैंकों की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ICICI, कोटक, ये सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो अंदाजा लगेगा क्या फिलहाल क्या टांग क्या अड़ा रहा है आज बैंक निफ्टी की तेजी की। 0.5% नीचे देखिए अनिल ICICI बैंक, और ICICI बैंक पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर पहले मुनाफा वसूली आना शुरू हो जाती है जब भी बैंक निफ्टी कमजोर होता है। HDFC बैंक में कुछ हल्का दबाव है, येस बैंक भी एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ, ICICI बैंक में चल क्या रहा है वागले साहब, हर उछाल पर यहाँ बिकवाली कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट हर्षदा कल भी आफ्टरनून में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दिया था, ये लेवल पे मैं बेचने की तो सलाह नहीं दूंगा, मुझे ऐसा कोई फॉल दिखता नहीं है कि वन वे 2-3-4% जो इंट्राडे ट्रेडर के लिहाज से मिलना चाहिए, तो मैं अवॉइड करूंगा, लेने की तो सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी, बट बेच नहीं सकते। ओके, तो ये है राय ICICI बैंक पर। एक और स्टॉक जिस पर नजर रखी है वो है आज की लिस्टिंग एस्टन पेपर, माई गॉड 112 रुपये पर लिस्ट हो रहा है, 25%, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन 100 रुपये के आसपास थी, उससे भी ऊपर जाकर लिस्ट हो रहा है, थोड़ी देर में सेटल होगा, लेकिन अभी जब तक ये सेटल हो तब तक एक और स्टॉक जो सेटल अभी तक नहीं हुआ है, एशियन ग्रेनिटो। वागले साहब जरा चार्ट खोलिए एशियन ग्रेनिटो, और एशियन ग्रेनिटो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एस्टन पेपर की होल्डिंग कंपनी है, एस्टन पेपर इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है और इसकी लिस्टिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है इनकी स्टेक की वैल्यू जो बढ़ेगी वो मुझे लगता है एशियन ग्रेनिटो की प्राइस में दिख रही है। एशियन ग्रेनिटो इसीलिए 6% मौजूद, आज नीरज की टीम में ये ओपनर के तौर पर था, शायद ओपनर ही था बिल्कुल, तो ये और ग्रेनाइट टाइल्स वगैरह बनाने का कारोबार करने वाली कंपनी, तो आज इसके लिए एस्टन पेपर की दमदार लिस्टिंग बड़ी काम की है। चार्ट देखिए 20% वाला स्टॉक है क्या ये,
हो सकता है अनिल जी प्योर मोमेंटम प्ले है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा 570 का, जो कि 20 रुपया है। अपसाइड में 630-640 ये 2-3 दिन का व्यू बनता है। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। एस्ट्रन की लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई, एशियन ग्रेनेटो में भी देखिए अच्छी 6% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। ये एक स्टॉक जिस पर आप नजर रखिए, और यहाँ पर और भी एक्शन बनने के पूरे आसार हैं। कुछ और काउंटर्स मैं देख रही हूँ जिनमें अब मोमेंटम बढ़ रहा है अनिल, इसमें बर्जर पेंट्स मेरे रेडार पर आ रहा है। इनफैक्ट कल दोपहर से यहाँ पर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ बर्जर पेंट्स। जैन साहब, क्या आप इस स्टॉक में कुछ खरीदारी करना पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए मुझे एशियन पेंट्स ज़्यादा बेहतर लगता है, और इनफैक्ट एफएनओ में भी है, और ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल्स पे आई एम वेरी बुलिश। और 2018 की अगर मैं थीम भी बोलूँ तो बिल्डिंग मटेरियल्स ही है, जहाँ जीएसटी की ट्विकिंग भी हुई है इस सेक्टर को लेकर, और मुझे जो अफोर्डेबल हाउसिंग, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, ये सारी चीज़ें जो है इस सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट देगी। बस वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट स्टिल और कोई कंपनीज है नहीं तो वैल्यूएशन तो हमेशा से दोनों को हाई मिलेगी। सो आई वुड लाइक टू गो विथ एशियन पेंट्स। देखिए बात ये है कि क्रूड के दाम 66-67 डॉलर के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद हर्षदा पेंटिंग पेंट शेयरों में गिरावट नहीं आ रही है। परसों में यही नोटिस कर रही थी, ना पेंट शेयर गिरे हैं ना एविएशन कंपनियां गिरी हैं। आपको उसका रीजन ये कि ये जो 20 करोड़ घर देने का, जो 2 करोड़ घर जो देने का इरादा है सरकार का लो कॉस्ट हाउसिंग वाला, वो बड़ा तगड़ा है। और लो कॉस्ट हाउसिंग वाले में एशियन पेंट तो नहीं लगेगा, छोटे वाले लगेगा, मतलब और छोटे ही लगेंगे। बट पॉइंट ये कि सबके लिए मौका है, उस हिसाब से ये पेंट स्टॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से चल रहे हैं। और एक स्टॉक हमने कुछ नहीं किया, उसमें पूरी की पूरी क्रेडिट वागले साहब को, और वागले साहब ने ढूंढा, वागले साहब ही बताएंगे कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद आ रहा। अभी अनिल जी हैवल्स एक क्लियर कट स्विंग ब्रेकआउट है, जो 561-562, शायद मैं भी थोड़ा सा लेट स्पॉट किया है। हम तो आपको बोल भी नहीं सकते, ये आप तो हमें बोल देते हैं कि हम लेट हुए, हम तो आपको कभी नहीं बोल सकते आप लेट हुए। हमें तो लगता है जब सही आपको मिला होगा तभी आपने ढूंढा होगा। नहीं, मतलब ये 2-3 रुपए पहले स्पॉट हो सकता था, क्योंकि 561-562 का वो ब्रेकआउट लेवल था, अभी बात करते करते 570 हो गया। तो हाँ, अगर पूरे दिन में करेक्शन आएगी 568-567 ये सही लेवल होगा, 562 या 561 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 600 के पार जाना चाहिए, और ये आज का व्यू नहीं है, 2-3 दिन का व्यू पकड़ के चलिए। अगले मिड वीक तक 600-605 के आसपास जाना चाहिए, 600-605 हेवल्स। और पिछले हफ्ते मुझे याद है वीगार्ड काफ़ी भागा था, इसी सिमिलर कारोबार वाली कंपनी। जैन साहब से एक राय ले ली जाए, जैन साहब हेवल्स खरीदेंगे इस लेवल पर? देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से अगेन मेरे को अब ये सारे स्टॉक्स काफ़ी महंगे लगने लगे हैं, थोड़ा डर भी लगता है। मार्केट्स भी ऐसे लेवल पे है तो करेक्शन भी इन्हीं में ही आता है। बट अगेन जिस तरीके की ब्रांड वैल्यू है, और हैवल्स ने जब से ये टेक ओवर किया है लॉयड इलेक्ट्रिक को भी, तो बहुत अच्छा एक गैमूट बन गया पूरे प्रोडक्ट रेंज का। तो आई फील कि बिल्कुल लेना चाहिए, और डिक्लाइंस पे लेने की कोशिश करें। बाकी मार्केट आज क्योंकि मिड कैप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और जो एक म्यूचुअल फंड वाला एनएवी का भी एक सारी चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा सा करेक्शन पे बिल्कुल एग्रेसिवली लें, बाकी थोड़ा बहुत स्टैगर्ड बाइंग की जा सकती है। एक और स्टॉक इनफैक्ट वोल्टास पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1.5% का उछाल है, ओपन इंटरेस्ट 5% से ज्यादा का बढ़ चुका है, और ये उसी पोजीशन में है जहाँ पर हेवल्स था कुछ मिनट पहले। राकेश, आप अपनी राय दीजिए वोल्टास पर। हर्षिता, बाय करके चलना चाहिए, 648 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और काफी अच्छा टेक्निकल रुझान है, और यहाँ पर मुझे लगता है ऊपर में 694-695 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बाय मंडे ट्यूसडे। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, पोजीशन बनने की शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन ना थोड़ा थोड़ा मिड कैप शेयरों में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स मजबूत है, और उसकी वजह है कि एक के बाद एक कुछ न कुछ दूसरे स्टॉक्स जो आकर सहारा दे रहे हैं, चर्निंग हो रही है, तो जो बहुत भाग गए हैं। तो अब ये ध्यान में रखिए, जो पिछले 5 मिनटों में मैं प्राइस एक्शन जो मैं सेंस कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, वो ये कि जो ज़्यादा भागे हुए हैं ना शेयर, वहाँ पे आप खरीदारी मत कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो जाइए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए, और वो शेयर देखिए जो नहीं भागे हैं या नहीं चले हैं। और उस लिस्ट में बड़े दिनों बाद एक शेयर मेरे रडार पे आ रहा है, जुबिलिएंट फूड। वागले साहब, जुबिलिएंट फूड का तो सीजन है आने लगा। हाँ, अरे अच्छा, हाँ ये बात तो सही है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने का तो टाइम आ गया है, मतलब ये ईयर एंड वाली पार्टीज वार्टीज में, तो क्यों हर्षदा वाकई में इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ती है मेरे ख्याल में, बिकॉज ये इनके लिए सीजनल इफेक्ट होता है अनिल,
और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी दिखाई देता है. आपके कोई भी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, कोई भी लंबी वीकेंड्स हो, लोग खाना नहीं बनाना चाहते हैं, बस पिज्जा डाल. हाँ, और दूसरा ये कि जो लोग मतलब 31st को भीड़ भाड़ में पार्टी वार्टी करने और इतने में नहीं जाना है, बहुत कन्वीनियंट चीज है ना, घर पे ही पिज्जा मंगवा लो, खा लो, है ना. ये बात तो सही है, और स्पेशली बच्चे जो उनको बना. I knew that was coming. ये चैनल चेक है. ये चैनल चेक है. एक्चुअली मेरे घर में ऐसा होता है एक्चुअली. लेकिन रात को 12 1 2 बजे कौन बनाएगा? अभी तो 3 बजे तक डिलीवर करते हैं. ओके, स्टॉक क्या डिलीवर करेगा ये बताइए. ये स्टॉक अपने सही लेवल पे स्पॉट किया. इसमें आपकी गलती नहीं है कि वो ऑलरेडी 15 रुपए आपके बोलने के बाद चला गया. हाँ. तो उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है. अभी कोई लेता है तो 1730 का स्टॉप लॉस होगा. मैं ये कहता हूँ कि 5-7 रुपए नीचे मिल जाएगा वोलेटिलिटी में, तब बाय करे. मुझे लगता है 1810-1820, 1-2 दिन, आउटर साइड 3 दिन. ओके, नए साल में 1800 के पार निकलेगा. क्या इसके लिए क्या 2000 के ऊपर के टारगेट्स आ गए ना वैसे? अब बताया ब्रोकरेज की ओर से 2200 आपको याद है, हमने रटा दिया है सारे टारगेट. नहीं, मुझे 2000 तो पूरा कॉन्फिडेंटली याद है. 2200 का भी टारगेट आया है, और मेरे ख्याल में सिटी ने ही वो टारगेट दिया है 2100 का. जयपुर में क्या चलता है, मतलब प्याज की कचौरी या पिज्जा? मुझे पता था, देखिए जैसे जेन इरिगेशन का सवाल होता है वो जरूर आता है, तो वैसे ही अब रिकॉर्ड प्लेयर का वो यहाँ पे मेरे ऊपर भी आने वाला था, मुझे पता था. देखिए मैं तो देखिए बहुत बुलिश नहीं हूँ. इनफैक्ट ये स्टॉक चलता है और चलते भी रहेगा. इनफैक्ट देखिए जिस तरीके से हर्षिता ने भी बखूबी कहा कि कई बार खाना बनाने की इच्छा नहीं हो तो ये स्टॉक आता है. फुल सीज़न चल रहा है अभी, आपने कहा बच्चों की बात है, ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है. बट मुझे फिर वापस से जो कम्फर्ट नहीं आता वो है वैल्यूएशन के साथ. ये सारी चीज़ें सब सही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एंड मार्केट ने बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन दे रही है, 100 के लगभग की वैल्यूएशन. तो आई फील कि, और आपने राजस्थान की कचौड़ी की बात कही तो सर्टेनली ठंड भी है, और अब 2-3 दिनों में अब ठंड और बढ़ने वाली है, तो राजस्थान का तो फूड कचौड़ी और जोधपुर. कच्चा तेल घरेलू बाजार में करीब 5% बढ़ा है, जबकि ग्लोबल मार्केट में इसका दाम करीब 13-18% तक उछल गया है. साथ ही में आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही है एस्ट्रॉन ग्लोबल के लिस्टिंग की, और ये लिस्ट होने वाला है, देखते हैं कहाँ पर लिस्टिंग होती है आज एस्ट्रॉन पेपर की. इस इशू का जो प्राइस ब्रांड रहा था वो 45-50 रुपये का रहा था, और आज इसकी लिस्टिंग अच्छी खासा सब्सक्रिप्शन देखा था, और देखिए क्या शानदार लिस्टिंग. ओ गॉड, जिस तरह के लिस्टिंग गेन दे रहा है एस्ट्रॉन पेपर, देखिए जरा जोरदार तेजी. प्री ओपनिंग सेशन में भी हमने एक जोरदार तेजी देखी थी एस्ट्रॉन पेपर में, और अभी भी देखिए इसकी जो लिस्टिंग हुई है 140% की शानदार रिटर्न 120 रुपए पर. 45-50 रुपए इसका भाव था, इशू प्राइस था, और उससे जबरदस्त गेन्स देते हुए एस्ट्रॉन पेपर आज लिस्ट हुआ है शानदार मजबूती के साथ. आज एस्ट्रॉन की लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर, और इस शानदार लिस्टिंग पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी. विकास जी, इस आईपीओ में पैसे लगा चुके लोगों के लिए अब क्या सलाह देंगे? इतनी शानदार लिस्टिंग गेन्स दे रहा है, प्रॉफिट बुक किया जाए क्या? गुड मॉर्निंग प्रियंका, बेहद ही शानदार लिस्टिंग हुई है, ऐसा एक्चुअली उम्मीद नहीं थी. मैं मान रहा था कि ये 90-100 रुपए के पास लिस्टिंग होगी, बट ये 120-121 रुपए डेफिनेटली एक बहुत ही सरप्राइज लिस्टिंग है. इश्यू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, करीबन 243 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और जो वैल्यूएशन पे इश्यू आया था वो तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव था. फिर आजकल पेपर कंपनियां फोकस में है, फिर अच्छा मैनेजमेंट है एशियन ग्रेनाइट और टाइल्स का, उन सबको देखते हुए रिस्पांस अच्छा मिला, लिस्टिंग अच्छी हुई है. बट इन लेवल्स में मुझे लगता है जिन्होंने लिस्टिंग गेन्स के लिए किया अप्लाई किया था उनको तो डेफिनेटली ये 140-150% की जो गेन्स हो रहे हैं डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए. बाकी अगर किसी का लंबी अवधि का भी नजरिया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 90 रुपए के आसपास का डाल के रखें, अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो फिर उसको राइड करते रहे तेजी को. बाकी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह रहेगी. ओके, अगर लिस्टिंग गेन की आशा में आपने इसे बुक किया था तो जरूर प्रॉफिट बुक कीजिए. थैंक यू सो मच विकास, आपने वक्त निकाला. साथ ही में 90 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देने की सलाह विकास सेठी की तरफ से. शानदार लिस्टिंग एस्ट्रॉन पेपर की आज हम देख रहे हैं, 140% के रिटर्न के साथ आज लिस्ट हुआ, जोरदार गेंस यहां पर. लेकिन अब नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर, और आज क्रूड में अच्छी खासी तेजी हम देख रहे हैं 3,856 पर, ऑलमोस्ट 1% की बढ़त को ये छूने वाला है. क्रूड की मजबूत शुरुआत, क्योंकि हम देख ले WTI और ब्रेंट दोनों में मजबूती, और आज क्रूड MCX भी ऊपरी लेवल्स पर खुलता हुआ. नेचुरल गैस में भी अच्छी खासी तेजी, 189.90 रुपए के साथ खुल रहा है. सोने
में बढ़ा तो 29,030 के लेवल के साथ। कल जब हम बात कर रहे थे तो एक्सपर्ट ये आशा कर रहे थे कि 29,000 के ऊपर जाएगा और आज इसके ऊपर ही खुलते हुए यहाँ 38,880 पर चांदी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती हुई और ये आज दबाव के साथ खुल रहा है। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर, कॉपर दबाव के साथ खुलते हुए, एल्युमिनियम में भी गिरावट नजर आ रही है, निकल भी आज 783 रुपए पर दबाव के साथ ही ओपन होता हुआ। लेड और जिंक का एक प्राइस चेक लेते हैं तो आज सारे ही बेस मेटल्स दबाव के साथ खुल रहे हैं, लेड और जिंक भी इस दबाव से छूता नहीं है। बेस मेटल्स में दबाव लेकिन एग्री स्पेस के कुछ कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। सोयाबीन इंसिडेक्स का भाव आज गिरा हुआ है 0.5% नीचे 3,086 पर शुरुआत। सरसों में भी आज दबाव 3,938 पर, सरसों भी आज लाल निशान पर गिरावट के रुख के साथ खुल हुआ। मसाले आपकी स्क्रीन पर, हल्दी में बढ़त है, जीरा 21,680 पर हल्की सी बढ़त के साथ खुल रहा है और धनिये में दबाव दिख रही है। जोड़ते अपने एक्सपर्ट को समझते हैं क्या हो आपकी रणनीति। मेरे साथ हैं स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। रविंद्र आपसे शुरुआत करते, कच्चा तेल जिस ऊंचाई पर नजर आ रहा है यहाँ आप क्या स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे, लेकिन साथ ही में इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि रुपया भी जो है यहाँ पर मजबूत हो रहा है, तो इन सब के बीच में कच्चे तेल पर आपकी रणनीति। गुड मॉर्निंग प्रियंका, मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल एक रेजिस्टेंस की तरफ ट्रेड कर रहा है, बट हो सकता है कि और थोड़ा सा एक अपमूव आए। एमसीएक्स पर पॉसिबल है कि ये 3,900 तक, 3,880 से 3,900 तक प्राइसेस आ सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि WTI क्रूड ऑयल एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है तो मुझे ज्यादा तेजी इसमें लग नहीं रही है। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर 3,880, 3,900 तक आता तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी ज्यादा बुलिश नहीं है। US प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहे हैं और ओपेक का जो ओपेक के साइड से जो प्रोडक्शन कट हुआ उसका इम्पैक्ट है इस पे थोड़ा, लेकिन US प्रोडक्शन जो ऑन द अदर साइड इट इज इंक्रीजिंग वो थोड़ा सा एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से WTI क्रूड में 61 से 62 का एक कैप होना चाहिए और नीचे में हम फिर से इसे $58 तक देख सकते हैं, बट इंटरडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा और ऊपर में 3,900 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सोने और चांदी में क्या करें, अभी खरीदें या फिर बेचें? सोने में मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम है। हमने देखा है कि लास्ट 2 साल से जब भी फेड का रेट इंक्रीज हुआ है दिसंबर में, उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए हैं एंड दिस ईयर आल्सो दिस इज द थर्ड ईयर जो ये रिपीट हो रहा है। 1245 से अभी 1294 के करीब चल रहा है गोल्ड। मेरे हिसाब से 1310 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि 1300 से 1310 तक एक बार टेस्ट करे मार्केट, वहां से थोड़ा सा करेक्शन आने के चांसेस है। तो यहां से और $10 to $15 का अपसाइड मैं देख रहा हूं, तो डिप अगर आता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं। MCX पर 29,200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, स्टॉप लॉस 28,800 का मेंटेन कर सकते हैं। और मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी जुड़ रही हैं। रूपा जी, चने पर खासतौर पर बात करना चाहूंगी क्योंकि एक्सचेंज ने बिकवाली पर 20% स्पेशल मार्जिन लगा दिया है और ऐसे में क्या करना चाहिए इसमें? रूपा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चने पर मैं आपका कॉल सुनना चाहती थी। क्यों आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही? अच्छा, क्या आप मुझे सुन पा रही है? देखिए, चना है, इस पर मैं सवाल पूछ रही थी, स्पेशल मार्जिन लगने के बाद क्या करने की आप सलाह देंगी चने में? देखिए, चने में बिल्कुल स्पेशल मार्जिन लगने के बाद हमने एक बार अपसाइड मोमेंटम आते हुए जरूर देखा था, लेकिन अगेन बाजार जो है फिर नेगेटिव जोन में है क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अपसाइड कैप चार्ज यहाँ से देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि बाजारों के अंदर अभी भी सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है, 4,000 के ऊपर भाव मिलते हैं तो वहां पर एक सेल कॉल लेना चाहिए और नीचे में हम एक्सपेक्ट करें कि अगेन बाजार जो है 3,860 से लेकर 3,800 तक की लेवल्स दिखला सकते हैं। अब आज थोड़ा मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि जनवरी कॉन्टेक्ट के अंदर 4,000 के आसपास सेल कॉल लेकर चलता। रूपा जी, आप मुझे सुन पा रही है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। चने में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपने सेल की सलाह दी है, इसके साथ ही कैस्टर सीड पर आपका व्यू? हाँ प्रियंका, कैस्टर सीड के ऊपर भी हमने सेल का कॉल इनिशिएट किया है क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बार दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी जो करंट लेवल चल रहे हैं 4,400 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक सेल कॉल बनाना चाहिए और नीचे में 4,360 से लेके 4,280 तक के लेवल जो है हम देख रहे हैं और ऊपर में 4,460 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए।
रविंद्र, आज सारे ही बेस मेटल्स जो हैं गिरावट के साथ खुले हैं, कौन सा बेस मेटल है जिस पर आप पैसा लगाने की सलाह देंगे या इनसे दूर रहेंगे आज? जी, कॉपर में मेरे हिसाब से अभी भी 474 का टारगेट पॉसिबल है। कॉपर आज थोड़ा सा नीचे खुला है, मेरे हिसाब से 466 तक अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 464, क्योंकि उसके नीचे अगर फिसल जाता है तो फिर इसमें 455 तक करेक्शन आ सकता है। तो अगर 466 तक आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बेट, ऊपर में 474 तक के टारगेट पॉसिबल है। बाकी सारे बेस मेटल्स मेरे हिसाब से थोड़े से ओवरस्ट्रेच्ड है, तो ट्रेंड अभी बुलिश है, लेकिन मेरे हिसाब से एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। अगर डिप आता है तो दूसरे बेस मेटल्स में एंट्री कर सकते हैं। कॉपर इज क्लोज टू द सपोर्ट, सो इसीलिए टॉपिक मेरा कॉपर होगा, बाय एट 466। और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद, आपने वक्त निकाला रविंद्र, और साथ ही में हमारे साथ थी रूपा जी, आप दोनों का धन्यवाद। यहाँ पर फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल श्री राजिया लेकर आएंगे, और साथ ही निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी समझेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट से, क्या करें आप निफ्टी में आगे बताते हैं आपको। तो 2017 के आखिरी दिन और जनवरी सीरीज के पहले दिन बाजार ने शुरुआत की है पॉजिटिव टेरिटरी में। अच्छी खासी बढ़त सेंसेक्स और निफ्टी में नजर आ रही है। सेंसेक्स 135 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए, वहीं निफ्टी 10,511 के लेवल्स पर नजर आ रहा है, 33 अंकों की मजबूती। यहां पर मिड कैप में भी अच्छी खासी तेजी जो बाजारों को सपोर्ट कर रही है, 120 अंकों की मजबूती के साथ आधा परसेंट से ज्यादा की मजबूती मिड कैप दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आज हरे निशान में 41 अंकों की बढ़ोतरी के साथ यहां पर कारोबार, और इसीलिए मार्केट ब्रेथ आपको हेल्दी नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर करते हुए 1336 शेयर हैं जो आके बढ़े, और इनके सामने 585 शेयर हैं जहां आपको गिरावट दिखेगी। तो आज निफ्टी के गेनर सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं भारतीय इंफ्राटेल, एशियन पेंट्स, क्रूड की तेजी का फायदा एशियन पेंट्स को और बाकी पेंट्स से जुड़ी कंपनियों को होता हुआ, इसलिए आज एशियन पेंट निफ्टी का टॉप गेनर। एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ल्यूपिन के लिए अच्छी खबर, यूएस एफडीए से कुछ अप्रूवल्स मिलते हुए और आज इसलिए ल्यूपिन भी पॉजिटिव, 1% की बढ़त के साथ कारोबार। टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, एसबीआई, ये तमाम गेनर्स हैं आज निफ्टी के। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है बाजार में? गेल आपको गिरावट के साथ दिखेगा, 1.5% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। विप्रो में दबाव है, साथ ही हिंडालको और वेदांता में भी आज नेगेटिव टेरिटरी में ही कारोबार नजर आ रहा है। सौदा आपका भी आज मेरे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बकड़िया। सुमित, गुड मॉर्निंग, आज का बाजार आपको कैसा दिख रहा है? जनवरी सीरीज का पहला दिन और 2017 को हम अलविदा कह रहे हैं, निफ्टी में आज आप क्या करना चाहेंगे? हाय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेल, मार्केट्स के अंदर हमने बहुत अच्छा मूव देखा है इस साल, सेम मूव हमें लगता है अगले साल भी हम देख सकते हैं। 2018 में शुरुआत अच्छी होते हुए देखने को मिल सकती है और आने वाले 3 से 6 महीने भी हमको अच्छे ही लग रहे हैं। जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी प्रेजेंट लेवल से बाइंग का ही व्यू बन रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से आई थिंक 10,480-10,500 के आसपास स्पॉट लेवल्स है, वहां पे बाइंग कर लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 10,430 का, और ऊपर में हमें 10,600 का इमीडिएट टारगेट होगा। उसके बाद हमें और भी ऊपर की रैली देखने को मिलेगी। हमारे ओवरऑल टारगेट निफ्टी के ऊपर 11,000 प्लस के है। हमारा एक ही व्यू है इस बार, अब की बार निफ्टी 11 के पार। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो हमें 2018 में बाइंग करके चलना है, क्योंकि एक अच्छा अपसाइड मूव हमको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से सुमित ने तो मन बिल्कुल बना लिया है कि नजरें होनी चाहिए एक लक्ष्य। राजस्थान का तो फूड कचौड़ी, और जोधपुर हो, कोटा हो, जयपुर हो, सबकी अपनी अपनी कचौड़ियों की वैरायटी है। कचौड़ा भी आता है यहाँ पे राजस्थान में, जो कि नसीराबाद है और आपके होम टाउन के काफ़ी क्लोज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी
तो देखिए जी ने ब्रेकफास्ट किया नहीं है वैसे राजन साहब, ये सब इतना सारा खाना आपने बता दिया, बात मत करो सुबह से बस बहुत मुश्किल। प्याज की कचौड़ी नहीं भेजी ना, अरे मैं गया तब भी मुझे नहीं खिला, मतलब प्याज की कचौड़ी नहीं खिली, बाकी तो खिला जैन साहब अभी तो ये पार्सल करवा के भिजवा दीजिएगा, लेके आ जाओ सर आप तो। चलिए इस बीच लेकिन एक स्टॉक जो बहुत तेजी से गिर रहा है उस पर फोकस, जैन साहब थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो हो गया है इसमें 25% गया और वो है इन्फीबीम। माई गॉड क्या हो गया इसको इन्फीबीम, ये मतलब रोलर कोस्टर राइड, झटके नहीं मानेगा ये, देगा ही देगा, देगा ही देगा 25%। माय गॉड गिर चुका शिट। वागले साहब क्या हो गया इसको? आए अनिल जी, हमने ये पिछले एटलीस्ट 10-15 दिन में इसके बारे में बात ही नहीं की है, क्योंकि क्या है ट्रेडिंग में अगर हम बुलिश व्यू देते हैं कोई लेके फंसा है वो होना नहीं चाहिए। करेक्ट, क्या हो गया वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत नेगेटिव कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो रहा है, मुझे लगता है ये 2 digits तक जा सकता है। My God, ये तो 123 पर आ गया ना? नहीं नहीं 115 FNO में देखिए 115 आ गया। Oh my God, जैन साहब कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ? 30% गिरने की वजह क्या हो सकती है? हमारी रिसर्च टीम फटाफट ये खबर आपके सामने लाने की। हमेशा से काफी बेरिश था स्टॉक पे, मैं रीजन दूंगा इसका। एक तो कुछ तो क्या है कि इसमें कुछ फंड बाइंग चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो कैनेडियन वॉरेन बफेट है शायद वो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे थे प्रेम वत्सा जी, तो उसकी वजह से थोड़ा अंडरकरेंट बना हुआ था। बट जिस तरीके से जस्टडायल एक डेबैकल है, ये जो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक होते हैं जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बहुत हाई पी मल्टीपल्स वाले स्टॉक में काफ़ी डर लगता है, और इन लेवल्स पे मार्केट है और इन लेवल्स पे अगर ये स्टॉक रहते तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और इन्फीबीम के लिए मैं कहूँगा कि ये 2 digits में आ जाएगा थोड़ी देर में, हो सकता है कि आजकल में आ जाए, और थोड़ा दूर रहें इन टाइप के स्टॉक्स पे जहाँ पे 25-25, 30-30% मूव हो। और आज का डिबैकल सर्टेनली ये है, और अगर ऐसे मार्केट में जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप्स में इतना अंडरकरेंट है और ये ऐसा होता है तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जिन बिजनेसेस में है वहाँ पे गूगल भी इंटरेस्टेड है, फेसबुक भी इंटरेस्टेड है, और उन लोगों के लिए बहुत ईजी है इन सब को ख़त्म करना और गोबल अप करना। नहीं कुछ तो बड़ा हुआ है जिस वजह से स्टॉक इतनी बुरी तरह से मार खा रहा है, क्योंकि 25% बिना किसी खबर टूटना ये नॉर्मल नहीं है, स्पेशली आज के मार्केट में जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव्स और इतने नेगेटिव्स पर बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए आप कैश में 114 और फ्यूचर्स में भी 115 के लेवल 30% की गिरावट आ चुकी है, कुछ तो बड़ा हो रहा है। इनफैक्ट हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट MD दिलीप भट्ट भी जुड़ गए हैं। भट्ट साहब गुड मॉर्निंग, कोई अंदाजा ये इन्फीबीम में क्या हुआ? काफ़ी तगड़ा झटका, अब 100 के नीचे जा सकता है ये काउंटर, 30% की गिरावट सब वायदे में। हर्षदा आप लोग स्टॉक को ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन जरूर जैसे आप लोग ने उसको एक सही वर्ड यूज किया, इसमें काफी रोलर कोस्टर राइड होता है, वेरी वोलेटाइल, और काफी हद तक मुझे लगता है ये मार्जिन फंडिंग में भी काफी हद तक ये शेयर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर ऑन अ मार्जिन फंडिंग बेसिस इज व्हाट प्रोबेबली आई अंडरस्टैंड। सो उसका भी कहीं तो कुछ इफेक्ट आया रहेगा अगर हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो मूवमेंट आ गया है नीचे, बट अदरवाइज इवन वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक न्यूज ऑन इन्फीबीम। ओके, और इस बीच 35%, और मुझे याद है इसका इसके एक्सीडेंट की शुरुआत तब से हुई थी जब ये FNO में आया था, और FNO में आने के बाद स्टॉक लगातार 2-3-4 दिन तक कंटिन्यूस गिरता गया, और अब 35% का कट आ चुका है। मेरे ख्याल से देवेन चौक से भी इस स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, कोशिश करेंगे। ये वो MEP वाली स्टोरी ने क्या माय मार्केट गवर्नमेंट मार्केटप्लेस GEM गवर्नमेंट ई मार्केट कर्नाटक वाला जो था, हां उसके चक्कर में वापस चल गया था। हां पर उसके बाद ऐसी मुझे कोई नेगेटिव खबर नहीं दिखी है, लेकिन आएगा अभी हमें पता चलेगा हुआ क्या, ऑर्डर लूज किया है कुछ तो पता चलेगा क्या हुआ है, अभी थोड़ी देर में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है, लेकिन वो तब तक बहुत देर है। ये लो डबल डिजिट में आ गया 99 और क्या 99 शिट, ओ माय गॉड 40%। ये FNO के स्टॉक्स में ट्रेडर्स के लिए अगर किसी ने पता नहीं लोगों के स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर नहीं होता, जब तक आप सोचें देखें समझे क्या हुआ तब तक इस तरह के स्टॉक्स जो बुरी तरह से गिरते हैं 40%, माय गुडनेस। ये राकेश पोजीशन बिल्टअप क्या रही है इसमें बताइए, सीरीज में अब क्या स्थिति दिख रही है? हर्षिता काफी बड़ा क्रैक देखने को मिला 155 के नीचे, और जब आवाज ने इसको कवर करना शुरू करा 122 के अराउंड से, और अब देखें तो सारे लेवल स्टॉक ने तोड़े हैं। 125 के नीचे जब स्टॉक आया
जब वागले जी ने बोला कि डबल डिजिट में आ सकता है, काफी दिक्कत है इस स्टॉक में, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई प्रॉफिट बुकिंग है और वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा हैं, और टेक्निकली अगर आप देखें तो सपोर्ट, सारे सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ दिए हैं। अब एकमात्र सपोर्ट जो बचता है वो लगभग 90 रुपीज के अराउंड आता है, और जिस तरीके से स्टॉक गिरा है और 98 से रिबाउंड करा है, मेरा ऐसा मानना है किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए, और बिल्कुल जिसने कुछ नहीं करा है स्टॉक के अंदर वो उसको हाथ ना लगाए तो बेहतर रहेगा। ओके चलिए, इस पे तो नजर आएगी 35% नीचे, 100 के आसपास से सपोर्ट। वागले साहब के टारगेट हिट्स अचीव। वागले साहब, मैं आपको इतनी गिरावट पे बधाई भी नहीं दे सकता और मुझे खुशी भी नहीं हो रही है। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन भट्ट साहब 2018 कमाई कहाँ होगी, कुछ बढ़िया आइडियाज दीजिए ना सर। अनिल जी, मार्केट तो इस लेवल पे है जहां पर प्राइसेस काफी आगे चल चुके हैं और फंडामेंटल्स बहुत डेस्परेटली कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, वेदर फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी और फंडामेंटल्स ऑफ द कॉर्पोरेट, तो ये चैलेंज जरूर बना रहेगा। और हम देख भी रहे हैं कि ओवरऑल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है वी हैव टू बी कॉशियस। लेकिन सिलेक्टिव अगर हम देखें तो मुझे लगता है समथिंग लाइक इन बिग इन द मिड कैप्स, एक महाराष्ट्र सीमलेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में दो तीन स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे कर सकते हैं स्लाइटली ओवर 6 months to 8 months, मे बी समथिंग लाइक इन द फ्रंट लाइन टाटा स्टील और JSW। तो ये दो तीन स्टॉक काफ़ी ठीक लग रहे हैं। और अगर और थोड़े ज़रा मिड कैप्स में देखें तो समथिंग लाइक RPP इंफ्रा लुक्स प्रेटी गुड, प्रेटी स्ट्रॉन्ग इन द मिड कैप, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया आएगा। और ये एक मिड कैप है, आई थिंक द मार्केट कैप इज अराउंड 500-600 crores, सो दैट लुक्स गुड। इन द फ्रंट लाइन आई थिंक इट विल बी समथिंग लाइक लार्सन एंड टुब्रो, विच वन शुड लुक एट, एंड एक्सिस बैंक। L&T और एक्सिस की आप बात करें दिग्गजों में और मिड कैप्स में, एक बार फिर बता दूं कि क्या यहाँ पर भट्ट साहब की पसंद है महाराष्ट्र सीमलेस, RPP इंफ्रा, JSW स्टील, और आपने क्योंकि L&T चुना है, ये क्या वजह है जिसे इसे चुनने की? ये एक लैगर्ड रहा है, 2017 में पार्टिसिपेशन नहीं रहा, या फिर आपको लग रहा है यहाँ से स्थिति बेहतर होगी ऑर्डर्स के लिहाज से तो फोकस में रखें? और L&T के साथ साथ फिर दूसरा अंडर परफॉर्मर क्या भेल भी आपके रेडार पर रहेगा? क्या ये जो स्टोरीज नहीं चली हैं उसमें से कुछ आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर रहे हैं? मैं ब्रॉडली ये कॉल ले रहा हूँ कि आने वाले 1-2 सालों में गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा पे जरूर रहेगा, क्योंकि ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक सेक्टर है विच कैन प्रोड्यूस अ ह्यूज मल्टीप्लायर इंपैक्ट इन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एंड जिस तरह से जो एनवायरनमेंट है और इकोनॉमी को किक स्टार्ट भी करना है यहाँ से, तो प्योर इंफ्रा प्ले विल बी शुड बी द थीम। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लार्सन एंड टुब्रो इज अ हेडलाइन कंपनी इन दिस, जो काफ़ी हद तक कहीं पर भी नहीं गया है काफ़ी टाइम से। और अगर ये प्योर इंफ्रा प्ले जब प्ले हो जाता है तो मुझे लगता है इसका री रेटिंग जरूर हो जाएगा, और इसका ग्रोथ प्लस री रेटिंग ऑफर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इन लार्सन एंड टुब्रो। ओके, एक और स्टॉक जो बेहद कमजोर होने की शुरुआत कर रहा है, मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वागले साहब से पूछूँ, वो है इंडो काउंट। और जनरली अच्छा आई लेटर के लिए दिन अच्छा नहीं है इन्फीबीम, मैं ये तो नहीं कहता कि इंडो काउंट भी उसी तरह से गिर जाएगा, लेकिन वागले साहब माय गॉड 5%, ओहो 4% ओपन इंटरेस्ट, तो स्टॉक्स तो ये भी इसी तरह के मुंह के लिए जाना जाता है जिस तरह के मुंह इन्फीबीम देता है, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है अचानक से ये भी गिरना शुरू हुआ है जोर से। 120-122 सेलिंग लेवल है, 125 का स्टॉप लॉस, 108 के टारगेट्स, 10 रुपये डाउनसाइड। बंसल साहब जरा देखिए इसमें क्या हो गया, ये 7%, ये तो पता नहीं साल का आखिरी दिन में ये इस तरह के एक्सीडेंट, और 45% इन्फीबीम नीचे है और 6% इंडोकाउंट नीचे होता हुआ दिख रहा है, ये भी तेजी से जा रहा है। अच्छा इंडोकाउंट के लिए एक और चीज़ बता दूं, इस सीरीज में FNO के बाहर से हो रहा है, ये FNO से बाहर भी हो रहा है, तो ये सीरीज आखिरी है इसके लिए FNO में, क्या पोजीशन उसी लिहाज से फिर कटेंगी पता नहीं, कुछ तो हो सकता है। बंसल साहब जरा बताइए फटाफट इंडोकाउंट के बारे में। देखिए अनिल जी, ये भी एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे जो इन्फीबीम में लोगों के साथ ट्रेजेडी हुई है, 118 रुपये यहाँ पर एक क्रिटिकल लेवल है,
इसके नीचे के स्टॉप लॉस होने चाहिए और 118 के नीचे अगर स्टॉक डिसाइसिवली निकलता है तब अनिल जी यहां पर 107 108 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ एक नेगेटिव क्रॉसओवर तो देखने को मिला है और 118 के नीचे एक प्राइस ब्रेकडाउन भी क्लियरली देखने को मिलेगा। तो 118 के नीचे ब्रेकडाउन बड़ा होगा, 118 एग्जैक्टली वही लेवल टच होके आया तो बंसल साहब के लेवल वो परफेक्ट है एकदम। इस बीच इन्फीबीम थोड़ा रिकवर होता हुआ दिख रहा है, निचले स्तरों से थोड़ा निकाफी हुआ है, 15-20 रुपए रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो 28% माय गॉड पता नहीं क्या हो रहा है इन सब शेयरों में, समझ नहीं आता। बड़े उछाल, बड़ी गिरावट, सब कुछ तो ट्रेडर्स के लिए मुश्किल भरा दिन है, खासतौर से अगर आप गलत स्टॉक में। लेकिन अच्छे स्टॉक्स में तो ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं और बढ़िया तेजी भी। तो चलिए विदा लेंगे आप सभी से। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बंसल जी, जैन साहब, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मुलाकात तो होगी अगले साल आपसे फिर से, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाजारों ने की है साल के आखिरी दिन भी दमदार शुरुआत, मजबूती के साथ बने हुए, जैसा पूरा साल रहा वैसा ही आखिरी दिन भी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद फोकस रहेगा आज कमोडिटी मार्केट में कितना एक्शन बनता दिखाई देगा। प्रियंका संभव देंगी आपका साथ। नमस्कार।